लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चुनाव प्रचार जारी है। इसी कड़ी में भिलाई में जेपी नड्डा ने जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में जेपी नड्डा ने कहा कि आपने 2019 में एक स्थिर सरकार दी, परिणाम स्वरूप जम्मू कश्मीर से धारा 370 को समाप्त कर दिया गया। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। देश की मुस्लिम महिलाएं तीन तलाक जैसी कुप्रथा से आजाद हुई। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और फारसी धर्म के शरणार्थियों को नागरिकता भी मिली। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत 11वें स्थान से छलांग लगाकर विश्व में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। उनके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत को साल के भीतर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आज हमारे दुर्ग की पावन धरती में, दुर्ग लोकसभा में, मैं आप सबकी तरफ से, हम सबकी तरफ से, मेरे व्यक्तिगत, मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये मेरे बंदी के रूप में आदरणीय भाई टंकराम वर्मा जी भी पधारे हैं, उनका भी हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। चूंकि समय अधिक हो चुका है, इसलिए मैं सभी सम्मानी यहाँ पर उपस्थित पदाधिकारीगण, हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे प्रभारीगण ही, संयोजकगण, हमारे सम्माननीय विधायकगण और सभी जिला और प्रदेश के सभी पदाधिकारी गणों का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और देवतुल्य यहाँ के जनता जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। सभी हमारे कर्मठ, ईमानदार, जुझारू कार्यकर्ता भाइयों, बहनों, युवा साथियों का भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हमें एक ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने अटल जी के इस बनाए हुए, उनकी अध्यक्षता में सन 1980 में जो भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी गई, मजबूत नींव रखी गई, उस मजबूत नींव को और ज़्यादा मजबूत बनाते हुए करोड़ों करोड़ संख्या वाली राजनीतिक पार्टी बनाने में जिन्होंने अपनी सक्षमता दिखाई, ऐसे चाहता हूं कि जो मैं रास्ते से लेकर के लोगों का झुंड देख रहा हूं, जो उत्साह देख रहा हूं, जो उमंग देख रहा हूं, वह इस बात को बताता है कि आपने विजय बघेल जी को फिर से लोकसभा में भेजने का निर्णय ले लिया है, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। लेकिन मित्रों, ये सिर्फ विजय बघेल जी को चुनाव में भेजना यही उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य बहुत बड़ा है और वो उद्देश्य है कि मोदी जी के नेतृत्व में हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाए, ये हमारा उद्देश्य है। और मैं यहां ये भी बताना चाहता हूं कि जो आप नारा लगा रहे हैं अब की बार 400 पार, ये मजबूत सरकार, स्थिर सरकार और देश के हित में आगे बढ़ने के लिए एक स्थिर सरकार की आवश्यकता होती है। आपने 2019 में एक स्थिर सरकार दी, नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि जो आप सन 51-52 से, जनसंघ के दिनों से कहते थे कि एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे और जम्मू कश्मीर को अभिन्न अंग के रूप में एक ही संविधान के दायरे में आना चाहिए, आपने मजबूत और स्थिर सरकार अपनी उंगली से कमल का बटन दबाकर 2019 में दिया और मोदी जी की इच्छा शक्ति ने 6 अगस्त 2019 को धारा 370 को धाराशाही कर दिया, ये उसका नतीजा निकलता है। आप 1997 से कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम राम मंदिर के रास्ते को प्रशस्त करेंगे। आपने 2019 में
अपनी ही इसी उंगली से कमल का बटन दबाकर विजय बघेल को फिर से भेजा था और उसका नतीजा निकला कि मोदी जी ने राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त किया और 22 तारीख को भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, वो भी आपने देखा।